यार गर्मियों के टाइम में मिट्टी के बर्तनों का अपना अलग ही मजा है। अब मटके का पानी अगर आपने पिया या कुल्लड़ों से पानी पिया हो, अब इस कुल्लड़ों से मैं पानी पीऊंगा तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता। बस इस कुल्लड़ में कमी एक है, इसमें जो है ना पूरा आर पार हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको हमने पूरा का पूरा कट कर लिया। और कुल्लड़ को कट करना आसान काम नहीं है, सच में बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी है। देखना चाह रहे हो कैसे, तो एक बार देख लो हमने इसको कट कैसे करा है। तो देखा आपने कैसे हमने ये जो ग्लास है ना मिट्टी के ग्लास को कट किया, और एक ग्लास नहीं हमने बहुत सारे ग्लास कट किए हैं और सारे के सारे ग्लास ही रहे। अब हम करने क्या वाले हैं आज की वीडियो में, हम करेंगे क्या, हम बनाने वाले हैं मिट्टी का एसी। हाँ जी, मिट्टी का एसी बनने वाला है, जिसमें हमारी जो नॉर्मल एसी होते हैं ना घर में, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट बिल का जो गर्मियों में बिल आता ना, उसका 50% एसी खा जाते हैं। तो ये हमारे घर के साथ नहीं, आपके घर के साथ भी जितने भी लोग हैं ना, उनके घरों में 50% इलेक्ट्रिसिटी का बिल एसी खा रहे हैं। तो और ये वाला जो एसी बनेगा ना, ये मिट्टी वाला एसी जो है, ये आपकी लाइट कंज्यूम नहीं करेगा और टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। तो इसको बनाने के लिए हमने एक चीज़ ऐसी करी है कि क्या है, ये मिट्टी के बर्तन है तो ये टूट भी सकते हैं, अगर गिर गया तो टूट जाएगा। अब अगर इन्हें क्लोजली पैक्ड कर दे, टूट जाए, फिर दोबारा से रिप्लेस करने में टाइम लग जाएगा। तो हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर ये टूट भी जाए ना, तो एक ग्लास लाओ दूसरा और तुरंत उसको रिप्लेस कर दो। इतना आसान तरीके से आप उसको रिप्लेस कर पाएंगे। ये जो अपने ग्लास थे, ये ग्लास जो थे, मतलब सारे जो ग्लास है, ये वाला ठंडा हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने अभी पानी लगाया था, बाकी अभी गर्म है। क्योंकि मिट्टी का क्या होता है, जैसे इन पर पानी टच होता है ना, ये एकदम ठंडी हो जाती है। और जो मैं बता रहा था, हमने एक सेटअप बनाया, वो सेटअप पता क्या है, ये रहा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सेटअप पता चल जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा जो सेटअप बना है, ये वो है। और इसके पीछे अगर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, यहाँ पे देख के वो तरबूज वाली वीडियो जो हमने तरबूज करा था। और उधर देखो वहाँ पे वो रखा हुआ है, चलो मैं दिखाऊंगा बाद में, बाद में दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम रहेगा जिससे हमारा एसी चलने वाला है। ये हमने यहाँ पे पाइप डाला हुआ है, ये देखो, ये रहा। और इससे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे अब कुल्लड़, ये स्टैंड है। अब स्टैंड को क्या करेंगे, हम इस टब में भर देंगे पानी। पानी भर के इसको पूरे के पूरे को ऐसे रख दिया, ये रहा। और इसको आप जहाँ चाहो ना वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने किचन में रख लो, बालकनी में रख लो, कहीं पे भी कर लो। और ऐसी जगह रखना जहाँ बाहर से हवा आती हो, जब बाहर से हवा आएगी ना तो गर्म हवा वो ठंडी हो जाएगी। मैं आपको अभी रियल प्रूफ दिखाऊंगा। तो कुल्लड़ का क्या करना, कुल्लड़ आपको सीधे सीधे ऐसे लगा देनी है। लगवा दो भाई, कुल्लड़ लगवा दो। तो देखो जितने अपने कुल्लड़ थे ना, कुल्लड़ वाले मिट्टी वाले जो ग्लास थे, सारे के सारे हमने सेट कर लिए। अब आपको दिख रहे होंगे कि इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड है यहाँ पे, ये पूरे के पूरे लग गए। और हमने कुछ एक्स्ट्रा ग्लास भी रखे थे, देखो चार ग्लास यहाँ पे बचे हुए हैं, कि एक आधा टूट जाता तो हम इसको यहाँ लगा लेते। अब इसको उठाना है, ये काफ़ी भारी हो गया वैसे, और बस इसको ऐसे यहाँ पे रख देना है। और ये जो है ना, ये यहाँ पे जो है, ये कूलर की मोटर है, ये यहाँ चली जाएगी, ये गई अंदर। और बस अब हमें कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, बस ये जो तार है ना ये लगाना है यहाँ पे सॉकेट में, और उसके बाद ये मोटर जो है ना, ये मोटर यहाँ पे चालू हो जाएगी। बट उससे पहले मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना टेम्परेचर है। अभी देखना, ये देखो यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है वो 37.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है। और अभी जो है कुल्लड़ का, हाँ ये रहा कुल्लड़ का 37 डिग्री टेम्परेचर है। अभी चलाएंगे इनके ऊपर पानी और तब देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है। पहले पानी डालते दो, मोटर चला रहा हूँ, पानी है ही नहीं इसमें, कहाँ है पानी, पानी डालियो गुलू। और पानी का भी अगर मैं टेम्परेचर दिखाऊँ ना, रुक जा, पानी का टेम्परेचर देख लेते पहले। तो पानी का लगभग 32 के आसपास टेम्परेचर है, 31.5-32 मान लो। अब डाल दे पानी, तो देखो हो गया यहाँ पे। अब मोटर जो है हमारी भीग चुकी है, अब बस ऑन करना है। और ये देखो पानी आना शुरू हो गया, ये हमारा छेद उल्टा हो गया शायद, जाओ इसको सीधा करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना मिट्टी का एसी है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब ये जितने भी हम ये कुल्लड़ लगाए थे ना, मिट्टी के ग्लास लगाए थे, देखो सब वो गीले होने लगे हैं। और मैं अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिखाऊं, देखो अभी टेम्परेचर जो था पानी का मैंने आपको बताया था, अभी फ्लोर का जो टेम्परेचर है देखो 36.9 है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। और इधर की तरफ अगर मैं पानी का दिखाऊं आपको,
पानी का है 35, 35 डिग्री सेल्सियस पानी का है ऑरेंज का। देखो वही पानी इनके ऊपर गिर रहा है और इनका टेम्परेचर देखना कितना, अभी 35। और इधर देखो, अभी मैं एक एक कुल्हड़ का आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लो टेम्परेचर, देखो लो दिखा दिया इसने, 32.5, 32, 34, और देखें इसका, देखो इसका लो दिखा रहा है। तो यानी बहुत कम टेम्परेचर यहाँ पे आ चुका है। तो टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना। अब ये सिर्फ पानी चल रहा, कोई हवा नहीं है। अब जो मैंने बताया ना, ये हमने करा है कि एक YouTube पे अब आपको दिखा सके, समझा सके कैसे होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुल्हड़ का जो बड़े वाले मुंह है वो यहाँ पे है, तो हवा यहाँ से आएगी और इधर की तरफ ट्रैवल करेगी। अब कुल्हड़ जब गीले हो जाएंगे, ये जो मिट्टी के ग्लास है गीले हो जाएंगे, तो क्या रहेगा, जो गर्म हवा है ना, जब इन ठंडों में से जाएगी तो हवा ठंडी हो जाएगी और नेचुरल आएगी, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। और आपको पता है जब मिट्टी की स्मेल है ना, जब बारिश होती है मिट्टी पे गिरती है वो वाली स्मेल, उस वाली स्मेल का तो यार कोई परफ्यूम नहीं मिला, वो वाला परफ्यूम मिल जाना तो सबसे फेवरेट। वो स्मेल इतनी अच्छी होती है, अलग ही सुकून देती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो स्मेल। तो इसमें आपको वो स्मेल आएगी, वो जो एहसास रहता है ना मिट्टी का, वो इसमें मिलेगा आपको नेचुरली, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम इधर देखो यहाँ पे एक पंखा है, इसको ऑन कर देते हैं, कर दे ऑन इधर, और देखता हूँ मैं इधर कैसी हवा आती है। फिर सच में बहुत ही ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है। तो अभी पंखा कर दिया हमने चेंज, यहाँ पे नॉर्मल पंखा था वो हवा नहीं दे रहा था, तो इसलिए तूफान पंखा यहाँ पे लग गया है। और हवा जो अब आई है, सच में इसे पंखे को एडजस्ट करिए यार, इधर की तरफ थोड़ा सा, इधर की तरफ करो। ओह यार सच में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया हवा का, इधर की तरफ जो हवा आ रही है ना वो सच में काफ़ी ठंडी है। और देख रहे होंगे आपको, देखो बाल दिख रहे हैं हिलते हुए, ये जो बाल हिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। और जो स्मेल है हवा की, सच में हवा में एक स्मेल आ रही है, क्योंकि मिट्टी से होते हुए आ रही है ना, हवा ठंडी हो चुकी है और उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अगर मैं इधर की तरफ आ जाऊँ ना, इधर बिल्कुल एकदम गर्म हवा है, और इधर आते ही वो हवा हो जा रही है ठंडी। अब ठंडी में मैं इतनी बोलूँगा, जैसे AC में होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम ठंडी हवा मिलेगी, उतनी नहीं है, पर हाँ ठंडी है, नेचुरल ठंडी हवा का जो मज़ा है ना वो इसमें है। मिट्टी का AC सच में बहुत अच्छा है। अगर आपको भी अपने देश की मिट्टी से प्यार है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देश की मिट्टी सबसे ऊपर है, इससे ऊपर यार कुछ नहीं होता। कितने भी AC लिया हो ना, सब AC फेल है इस मिट्टी की खुशबू और इसकी ठंडक के हिसाब से। ये जो है ना नेचुरल जो चीज़ है, नेचुरल किसी AC में कभी नहीं मिलने वाली आपको। तो सच में यार ये जो हवा आ रही है ना, बढ़िया आ रही है। गोलू हवा खा के तो देख, जब से बनाने में लगे हुए थे, आ रही है ठंडी हवा, ठंडी भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है, बहुत मिट्टी की खुशबू सच में बहुत ही बढ़िया आ रही है। और पैरों पे ज्यादा ठंडक लग रही है मुझे, तो पता नहीं कैसे नीचे आ रही है, क्या हो रहा है, बहुत ठंडी है हवा, सच में काफी ठंडी हवा आ रही है। और स्मेल ना गोलू, स्मेल कितनी अच्छी आ रही है ना, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, फिर तो गर्म आ रही है। ओह इधर की तरफ मुंह लगा, देख यहाँ अगर पास में जा रहे ना भाई, मिट्टी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू है ही अलग, सच में मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी है। और जो हमने मिट्टी का AC बनाया ना, आज हमें ये AC बना के पता चल गया कि मिट्टी का AC सच में काम करता है। पंखा बंद कर दो फिलहाल। तो हमने जो AC बनाया था मिट्टी का AC, ये एक डेमो यूनिट बनाया था कि हम ऐसे अगर कुल्लड़ लगा के कुछ चीज़ तैयार करते हैं वो हमारे काम में आ सकती है या नहीं आ सकती। क्योंकि अब अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे हमने फ्रेम जो लगाया, इधर से पानी इधर वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए हमें बड़ा टब ला के प्रॉपरली फिक्स करके तब बनाते। बट हमने सिर्फ डेमो बनाया कि अगर चला के देखते हैं ऐसा कुछ बनाए वो काम करेगा नहीं करेगा। तो आज हमें पता चल गया मिट्टी का AC सच में काम करता है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो सच में बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, देखो सब चीज़ बंद है, अभी यहाँ पे पंप भी बंद कर दिया, फैन भी बंद कर दिया, और अगर मैं इधर दिखाऊं आपको टेम्परेचर, ये देखो 37.3 आ रहा है। और अगर मैं कुल्हड़ का दिखाता हूं तो देखना कितना आ रहा है इधर, ये देखो लो आ गया, तो टेम्परेचर काफी कम हो चुका है। ये देखो ये रहा, हर जगह लो दिखा रहा है अब, तो देख रहे हो कितना ज्यादा फर्क आ गया, इतना ज्यादा फर्क है कि इसने लो दिखाना शुरू कर दिया। वरना अगर वैसे नॉर्मली चेक करते हैं तो टेम्परेचर दिखा देता है, ये देखो अगर इधर दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो 39 जा रहा है यहाँ पर टेम्परेचर, ये रहा। और इस कुल्हड़ का ये रहा 38 है, जो सूखी कुल्हड़ है। और अगर इसे सिर्फ पानी में डुबो दूँ थोड़ी देर, और उस पानी में डुबो रहे हैं जिस पानी का टेम्परेचर है अभी 34 डिग्री सेल्सियस पानी में इस कुल्हड़ को डुबोया है, और इसका टेम्परेचर अब देखते हैं कितना चला गया, अभी 35 गया है।
और सिर्फ डुबो के बाहर निकाला, तो देख रहे हो इतनी जल्दी टेम्परेचर ड्रॉप आ जाता है मिट्टी में। तो यार हमें तो मिट्टी का एसी बहुत अच्छा लग रहा, अगर आपको भी अच्छा लग रहा जो मैंने आपको बताया था कि मिट्टी का एसी सच में यार इसकी स्मेल जो है ना वो लाजवाब है, तो हमें बहुत मजा आया। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम मिलेंगे आपसे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।